कि यदि आपको ब्याह नहीं रुचता तो मत कीजिए। आजकल के बच्चे इस बातों को समझ नहीं रहे, आधुनिकता को स्वीकार कर रहे हैं, माता पिता को। तो अब माता पिता क्या करें, शांत हो जाते हैं। आपका तो भागवतिक मार्ग है, हम आपको नहीं करें, पर प्रायः माता पिता के विरुद्ध आचरण बच्चे कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रायः माता पिता का भाव यही रहता है कि हमारी सोच रहती कि हम ये चीज खेलें, लेकिन उनको लगता है इसके खेलने में नष्ट हो जाएगा, ठीक नहीं है। तो माता पिता का आदर करें। आप वैराग्य भाव से भगवान मार्ग में चलना चाहते हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं कि आप माता पिता की ये बात ना मानो कि ब्याह कर लो, क्योंकि अगर तुम्हारी इच्छा नहीं और तुमने ब्याह किया, ब्याह करने के बाद अगर विरोध वहाँ हुआ तो परिवार का परिवार पूरा दुखी रहेगा, तुम भी असंतुष्ट रहोगी। अगर आपकी ब्याह में रुचि नहीं है, अच्छी बात है, पर माता पिता के अनुकूल होकर उनके सानिध्य में उनकी दृष्टि में रहो और वैराग्य पूर्वक खूब भजन करो, भगवान का कृपा प्रसाद अनुभव करो। पर आज का समय जो है थोड़ा सावधानी का है। हम अपने उन्माद में, वासना के उन्माद में समझ नहीं पाते और ऐसे लोगों से मित्रता कर बैठते हैं जो केवल हमारे शोषण के सिवा और कुछ, उनके अंदर कोई प्यार नहीं, कोई समान। तभी तो समाचारों में नहीं आता भाई आज यहाँ ऐसा हुआ, वहाँ मार के फेंक दिया, वहाँ कोई प्यार करता है? कौन प्यार जानता है? हमारी चमड़ी को देखकर, हमारे शरीर को देखकर भले प्यार करे, कोई हमसे प्यार करेगा? माता पिता, क्योंकि उनको लगता है ना मेरा बच्चा है। अब वो डांट रहे हैं कि तुम ये जो गलत कर ठीक नहीं है, उनका हृदय जल रहा है, पर वो बच्चा उन्माद के कारण नहीं समझ रहा, फिर परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सब बच्चों को चाहिए कि अपने गुरुजनों की, बड़े जनों की आज्ञा का पालन करें। हाँ, जैसे आपका बात है तो आपका भाव उत्तम है, पवित्र है, इसलिए हम आपकी इस बात, अगर ब्याह नहीं करना चाहते तो माता पिता को भी जोर नहीं देना चाहिए, इसलिए कि आपने करवा दिया ब्याह। क्योंकि माता पिता को एक होता है कि समाज में होगी कि इज्जत की बात है ना, लड़की जवान बैठी ब्याह ही नहीं कर रहे, वो लोक व्यवहार के, लेकिन उसकी रुचि नहीं तो फिर वहाँ जा करके द्वंद खड़ा हो जाएगा ना। उसकी भोगों में रुचि नहीं है, पति में रुचि नहीं, और सामने वाला जो पति बनेगा वो इसीलिए बनेगा कि हमारा गृहस्थ धर्म चले, तो झगड़ा होगा, तुमको भी असंतुष्टता होगी, उसको भी असंतुष्टता होगी। तो इसलिए अगर वास्तविक रुचि नहीं है, ऐसा जीवन में निर्णय कि मैं किसी पुरुष की तरफ काम भाव से नहीं देखूंगी, तो ठीक है, भगवत आराधन करते हुए माता पिता के सानिध्य में रहो, उनके अनुकूल रहो, उनके शासन में रहो, बढ़िया।